रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि पेपर सेक्टर के शेयर्स बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि देखिए वॉर के कारण काफ़ी सेक्टर्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, तो उसमें से एक सेक्टर है पेपर सेक्टर। अब आप सोचेंगे पेपर सेक्टर का वॉर से क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स रशिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेपर पल्प, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है जिससे पेपर बनते हैं, ब्राउन पेपर, वाइट पेपर, पैकिंग पेपर, राइटिंग पेपर, ये जो पेपर्स बनते हैं वो सब रशिया से काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होते हैं। और रशिया पे सैंक्शंस लगने के कारण इनका जो एक्सपोर्ट का जो एक नॉर्मल जो प्रोसेस था उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है, रुकावटें आएगी, वो हिसाब से पेपर सेक्टर के शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। बिकॉज भारत की कंपनियाँ भी एक्सपोर्ट करती है और वो खुद ही मैन्युफैक्चर करती है पेपर पल्प, तो जब रशिया का एक्सपोर्ट रुकेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी पूरे वर्ल्ड में और उसका फ़ायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा इंडियन कंपनीज़ को भी, तो वो एक रीज़न है। दूसरी बात देखिए, अभी लॉकडाउन खुल चुका है, कोई लॉकडाउन कहीं पे भी नहीं पूरे भारत में, और कॉलेज स्कूल्स रेगुलर शुरू हो चुके हैं, तो नोटबुक्स और सभी चीज़ों का डिमांड बढ़ने वाला है। और आने वाला सीज़न भी अभी एग्ज़ाम के बाद में फिर से नई बाइंग शुरू होगी नोटबुक्स की, पेपर्स की, तो वो भी एक रीज़न है कि पेपर सेक्टर में फिर से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, डिमांड देखने को मिल सकती है। और इसीलिए पेपर सेक्टर में अगर आप देखोगे, मैं जो कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो कंपनी जो है वो सब टाइप के पेपर्स बनाती है, जेरोक्स पेपर, राइटिंग पेपर, नोटबुक पेपर्स, पैकिंग पेपर्स, इस टाइप के पेपर्स बनाती है और काफ़ी फंडामेंटली साउंड कंपनी है। इसका आज का क्लोजिंग था 159 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 182 रुपीज़। इसका पी है ओनली 9 का पी है, पी काफ़ी रिजनेबल पी पे मिल रहा है। ईपीएस है 17 का, जो कि बहुत ही शानदार है, लुकिंग एट द रेट ऑफ ओनली 159 रुपीज़। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0, कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। बुक वैल्यू इज़ 326 रुपीज़ हमें मिल रहा है 159 में। इंट्रेंसिक वैल्यू इज़ 310 रुपीज़ हमें मिल रहा है 159 में। ग्राहम नंबर है 350 रुपीज़ हमें मिल रहा है 159 में। तो इफ़ यू सी बुक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू, ग्राम नंबर, सभी से 50% डिस्काउंट में शेयर मिल रहा है अभी भी। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 दिन पहले ही इसका रेट था सिर्फ 120 रुपीज़, सो 120 रुपीज़ से जंप मार कर ये शेयर पहुंच गया, 165 तक गया था, अभी 159 में मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स के पास है 45%, FII का होल्डिंग है 0.18% एंड DII का होल्डिंग है 0.01%, तो FII DII का भी होल्डिंग इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की, तो दिसंबर 20 में इसका प्रॉफिट था 7 करोड़ 84 लाख रुपीज़, सितंबर 21 में प्रॉफिट था 6 करोड़ 82 लाख रुपीज़ एंड दिसंबर 21 में प्रॉफिट हो गया 7 करोड़ 20 लाख रुपीज़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार कांस्टेंट है, अच्छा प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, डेट फ्री है, एंड आप देख रहे हो कि कितना रनअप दिखा दिया है, 15-20 दिन में ही अराउंड 120 से शेयर पहुंच गया 165 तक, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया हुआ है। तो आप थोड़े बहुत शेयर्स इस कंपनी के बाय कर सकते हैं। कंपनी का नाम है स्टार पेपर मिल्स, स्टार पेपर मिल्स कंपनी का नाम है, तो इस फंडामेंटली साउंड कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, या अगर आपको थोड़े थोड़े बाय करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हो हर गिरावट में, क्योंकि आने वाला ये मार्च क्वार्टर भी इसका अच्छा जा सकता है, जून क्वार्टर तो अच्छा जाएगा ही, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में जो बाइंग होती है जून क्वार्टर में होती है, और मार्च क्वार्टर में रशिया वॉर के कारण हो सकता है इसमें इनका प्राइस भी बढ़ के मिल रहा होगा इनको सेलिंग प्राइस, तो इसका फ़ायदा इसका मार्च क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी को आप खुद स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं, जो कि फंडामेंटली साउंड है। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, तो उसमें अगर आप पेपर सेक्टर का थोड़ा बहुत अगर आप लेवरेज देना चाहते हो तो उसमें आप इस कंपनी को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, जो कि फंडामेंटली साउंड है। आप थोड़ा बहुत पैसा लगाकर इसको लॉन्ग टर्म के लिए भूल सकते हो, जब ये सेक्टर चलता है तो ये शेयर भी अच्छे खासे रनअप दिखाता है, जो कि मैंने आपको बताया 120 से 165 चला गया, अराउंड 30-40% प्रॉफिट दे दिया ओनली 15-20 डेज के अंदर। तो मार्केट चलेगा तो ये शेयर भी चलेगा, तो इस कंपनी के बारे में आप स्टडी करके भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।